अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास पहचान बनाने वाले हिमाचल प्रदेश का छोटा सा शहर मनाली प्राकृतिक दृश्य का एक नायाब खजाना है और देश और विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। मनाली मनुवाले से बना है। मनुवाले का अर्थ है मनु ऋषि का घर। मनाली न केवल हिमाचल प्रदेश के सबसे आकर्षण पर्यटन स्थलों में से एक है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी है। मनाली में चारों ओर हरे भरे वन तथा पहाड़ों की चोटियाँ हैं। चाहे कोई भी ऋतु हो, मनाली की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती ही है। प्रकृति ने मनाली को यह सब कुछ प्रदान किया है। यहाँ प्राकृतिक दृश्य मनमोहक है। स्थानीय लोग शांतिप्रिय एवं सहयोगी हैं। यहाँ की संस्कृति तथा जीवन शैली भिन्न है। प्रकृति की छटा के मनमोहक सजीले दृश्य, श्वेत बर्फीली चोटियाँ, बहते झरने तथा हरे भरे वन यहाँ आने वाले हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह जगह फोटोग्राफरों तथा फिल्म शूटिंग व चित्रकारों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं मनाली के 10 सबसे खूबसूरत और आकर्षक पर्यटनीय स्थल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल ट्रेवल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। पहला, हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो कि हिडिंबी देवी या हिरमा देवी को समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख के अनुसार यह मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में कराया था। पैगोड़ा की शैली में निर्मित यह मंदिर अत्यंत सुंदर है। भव्य देवदार के जंगलों से घिरे इस खूबसूरत मंदिर को एक चट्टान पर बनाया गया है, जिसे माना जाता है कि यह देवी हिडिंबा की छवि में है। मंदिर में एक लकड़ी का दरवाजा है और मिट्टी की दीवारें पत्थर से सजी हैं। इस दरवाजे में देवी जानवरों आदि की लघु चित्रकारी है। मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, लेकिन उनके पद चिन्हों को घेरते हुए एक विशाल पत्थर रखा हुआ है। यह मंदिर मनाली शहर के पास एक पहाड़ पर स्थित है। मनाली आने वाले सैलानी यहाँ जरूर आते हैं। देवदार वृक्षों से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती बर्फबारी के बाद देखते ही बनती है। यह मंदिर मनाली बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। दूसरा, मनु मंदिर। यह भव्य मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है। मंदिर में एक शिवालय संरचना है जो अपने आकर्षक वास्तुकला से इतिहास और आध्यात्मिकता की एक झलक दिखलाती है। मनाली नाम की उत्पत्ति ऋषि मनु के नाम से हुई थी, जिसे मानव जाति का निर्माता व मनुस्मृति का लेखक माना जाता है। मुख्य बाजार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर। सात बहती व्यास नदी इसके आकर्षण में 4 चांद लगा देती है। मंदिर मनाली के प्रमुख आकर्षणों में से एक माना जाता है और यह माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ ऋषि मनु ने धरती पर कदम रखने के बाद ध्यान लगाया था। हो सकता है छोटे छोटे रास्तों की वजह से आपको यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी परेशानी हो, पर यकीन मानिए जो आपको देखने को मिलेगा उसके सामने यह परेशानी कुछ भी नहीं है। तीसरा, वशिष्ठ मंदिर। ऋषि वशिष्ठ और भगवान राम को समर्पित वशिष्ठ मंदिर व्यास नदी के पार मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खूबसूरत गांव अपने शानदार गर्म पानी के झरनों और वशिष्ठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे झरनों के पास बनाया गया है। माना जाता है इस झरने के पानी में बहुत अच्छी उपचार शक्तियाँ हैं जो कई त्वचा रोगों और अन्य संक्रमणों को ठीक कर सकती हैं। यहाँ तुर्की शैली के स्नान घर उपलब्ध हैं जिनमें झरनों का गर्म पानी होता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्थान है। तो अगर आप मनाली घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप इस कुंड में स्नान करना ना भूलें। चौथा, जोगनी झरना। जोगनी झरना मनाली की खूबसूरत घाटी में स्थित है जो शहर की भीड़ भाड़ से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप 160 फीट की ऊंचाई से जोगनी झरने को गिरते हुए देखना चाहते हैं तो आपको देवदार के पेड़ों और बागों के माध्यम से वशिष्ठ मंदिर होते हुए एक ट्रैक करना होगा। इस झरने तक चढ़ने में लगभग 3 घंटे लगते हैं और रास्ते में कई सुंदर मोड़ व स्थान आते हैं जहाँ से आपको पूरा मनाली दिखाई देता है, इसलिए आप अपना कैमरा साथ ले जाना ना भूलें। इस मनोरम जलप्रपात को मनाली में सबसे रोमांटिक आकर्षणों में से एक माना जाता है। अगर आप ट्रैक करते हुए थक गए हैं व आराम करना चाहते हैं तो यहाँ रास्ते में चाय व लोकल फूड्स की कई दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप रोमांच व प्रकृति प्रेमी हैं व आपने मनाली जाने के बाद जोगनी झरना ट्रैक नहीं किया तो आपको मनाली जाना अधूरा ही रह जाएगा। पांचवा, वन विहार। देवदार के पेड़ों व हरियाली से भरपूर वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इसे शहर के नगर निगम द्वारा संचालित और रखरखाव किया जाता है। यह जगह माल रोड के पास स्थित है, जिसे यह बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। यह सुंदर बागीचा बच्चों और वयस्कों के लिए एक लोकप्रिय और अक्सर देखा जाने वाला गंतव्य है। पार्क का मुख्य आकर्षण सुंदर मानव निर्मित झील है जो जंगल के बीच में स्थित है। पर्यटक झील में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। पार्क में बच्चों के साथ साथ कपल्स के लिए भी बहुत सारे झूले हैं। पार्क के पास में व्यास नदी बहती है। शाम को पार्क की सैर व यहाँ से सनसेट के अनुभव करने का आनंद ही कुछ और होता है। यहाँ की टाइमिंग गर्मियों में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक होती है और सर्दियों में यहाँ की टाइमिंग सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक होती है और यहाँ प्रति व्यक्ति शुल्क 5 रुपये देना होता है।
अगर आप एक बाइक प्रेमी व्यक्ति हैं तो मनाली की यात्रा की योजना बनाते समय रोहतांग पास की एक दिन की यात्रा का प्लान होना ही चाहिए। पर रोहतांग पास की यात्रा का प्लान करते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है, यह दर्रा सिर्फ जून से अक्टूबर के समय ही खुलता है, बाकी समय यह बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। मुख्य शहर से सिर्फ 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोहतांग पास केवल सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। रोहतांग पास 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे वाहन मनाली केलांग रोड पर चढ़ता है, चारों ओर के परिदृश्य की सुंदरता को आप देखते ही रह जाएंगे। रोहतांग में ऊंचाई के साथ साथ ठंड भी बढ़नी शुरू हो जाती है। रोहतांग पास में आपको बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, लुभावने दृश्य, शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। रोहतांग में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, तो आपको यहाँ कई जगह जानी पहचानी सी लगेंगी। सातवां, राहला झरना। मनाली बस स्टैंड से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राहला झरना रोहतांग दर्रे के रास्ते में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। यहाँ का पानी आमतौर पर ठंडा होता है क्योंकि यह हिमालय में स्थित पिघलने वाले ग्लेशियर से निकलता है। आसपास में यहाँ ज़्यादातर देवदार के पेड़ हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के झरने के आसपास के कई स्थानों को आसानी से देखा जा सकता है। लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक आदर्श स्थान है। परिवार और दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बॉन्डिंग करने के लिए यह एक परफेक्ट जगह होने के अलावा यह जगह उन लोगों के लिए भी है जो दिमाग को शांत करना चाहते हैं और अंदरूनी शांति चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप मनाली जा रहे हैं तो राहला झरने को जरूर घूमें। आठवां, सोलांग वैली। सोलांग वैली हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर स्थित एक टूरिस्ट साइड वैली है। सोलांग घाटी मनाली के मुख्य शहर से 14 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सोलांग वैली में यह घाटी व्यास कुंड और सोलांग गांव के बीच मनाली से रोहतांग दर्रे के रास्ते में पड़ती है। सोलांग घाटी को देखने हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यह एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक पसंदीदा जगह है। इसके अलावा यहाँ पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, घुड़सवारी से लेकर मिनी ओपन जीपों की सवारी विशेष रूप से सभी आयु वर्ग के पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। सर्दियों के दौरान जब घाटी बर्फ से ढकी होती है, इस दौरान स्कीइंग एक लोकप्रिय खेल है। मई में जब बर्फ पिघलती है तो इस दौरान स्कीइंग, जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग और पैराशूटिंग में बदल जाती है। सोलांग घाटी की ढलान और यहाँ के मनमोहक दृश्य हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं। सोलांग वैली का नाम यहाँ स्थित सोलांग गांव के नाम पर रखा गया है। इसे सोलांग नाला के नाम से भी जाना जाता है। सोलांग का मतलब है पास के गांव और नाले का मतलब है पानी की धारा। सोलांग घाटी में चाय और मैगी ज्यादातर खाने पीने की दुकानों पर उपलब्ध है। अलग स्वाद के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। नौवां, कोठी और गुलाबा गाँव। मनाली से 15 और 20 किलोमीटर दूर स्थित दो शानदार गाँव है, एक है कोठी और एक है गुलाबा। यह गांव दुनिया भर से पर्यटकों को रोमांच और मनोरंजन गतिविधियों के लिए आकर्षित करते हैं। रोहतांग दर्रे पर जाने वाले अधिकांश ट्रैकर्स अक्सर यहां डेरा डालते हैं। यहां से बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, व्यास नदी और ग्लेशियरों का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इन दोनों गाँवों में सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है, पर यहाँ सोलांग या मनाली जितनी भीड़ नहीं होती है। तो अगर आप मनाली की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। आपको यहाँ कई एडवेंचरस गतिविधियों के साथ साथ ट्रैकिंग व कैंपिंग भी कर सकते हैं। दसवां, नगर कैसल। नगर कैसल एक प्राचीन शाही किला है जो लगभग 500 साल पुराना है। पर्यटकों के बीच फेमस यह स्थल मनाली से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मध्ययुगीन किले का निर्माण 1460 ईस्वी के लगभग कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने करवाया था। पहले यह राजा का घर हुआ करता था, लेकिन राजा प्रथा के अंत होने के बाद 1978 में इस किले को एक होटल में बदल दिया गया। इस किले को पत्थर और लकड़ी के सुंदर तरीके से बनाया गया है। यह किला व्यास नदी के तट पर बसा हुआ है। इस किले के परिसर में देखने के लिए अन्य आकर्षक और दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे मंदिर, आर्ट गैलरी आदि। बॉलीवुड फिल्म जब भी मेट का गाना इसी किले में फिल्माया गया था। इसलिए दोस्तों, जब भी आप मनाली जाएं तो इस किले को देखने जरूर जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।